कष्ट दिए और हमको नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पुनः नई शिक्षा नीति लागू करके वो गौरवशाली क्षण हासिल करने के लिए अपना ठोस कदम बढ़ाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारी नई शिक्षा नीति में वो सारी चीजों को समाहित किया है जिसके कारण से भारत जाना जाता रहा है। आप कल्पना करिए, अगर सादगी की बात करें, सुशासन की बात करें, अब तो भगवान राम को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान राम का 17 लाख साल पुराना समय, वो राम राज्य आज भी रोमांचित करता है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श शासक और अपने सब कुछ जुटा करके भी आनंद के साथ जीवन जीते हुए पूरे देश के भले के लिए जो लगातार अपना जीवन जीते रहे, ऐसे काल में हमारी नई शिक्षा नीति में हमने वो सारे चीजों को जोड़ा है जिनको काल के प्रवाह में हमको दूर रखा गया था, दूर हटाया गया था, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को नकारा गया था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज के समय में काल के प्रवाह में जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन सबको माफी मांगना पड़ेगी। ये समय ऐसा चल रहा है, कोई उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे। भैया भारत, पता नहीं कौन से जमाने के लोग है, क्या सोचते हैं, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को और वो भी अयोध्या के अवसर को वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे। मैं आज सम्मानी मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, 22 तारीख में बहुत समय है। विचार करना चाहिए जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे। ये वर्तमान की पीढ़ी भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। आज के इस अवसर पर खास करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैं लोकार्पण कर रहा हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना बदल जाता है एक शासन व्यवस्था के बदलते ही माहौल। कहाँ हम बड़ी मुश्किल से एक और कभी तो एक भी नहीं ओलंपिक में पुरस्कार लेने जाते थे, कभी कभी लगातार भगवान की दया से कुश्ती में जरूर मिलता था लेकिन बाकी खेल में पता ही नहीं चलता था। और अब क्या हो रहा है, एक नहीं दो नहीं लगातार पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वह अपनी क्षमता योग्यता से निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे, लेकिन अगर भेदभाव होता है, अगर प्रशिक्षण की कमी होती है, साधन संसाधन की कमी होती है तो वो कैसे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, समय की कमी है कि हमारी नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल सहित सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से नए लोकार्पण की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।